आज करवाएंगे आपको फेमस टूरिस्ट स्पॉट कुफरी का एक छोटा सा टूर। आपको बताएंगे यहाँ पर कौन से प्लेसेस है घूमने के लिए, साथ ही साथ यहाँ पर आप कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो गाइस बने रहिए हमारे साथ। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑन द शिमला गाय। दोस्तों इस वक्त मैं हूँ संजौली में और यहाँ से हमारी आज की डेस्टिनेशन कुफरी का डिस्टेंस लगभग 12 किलोमीटर है। गाइस कुफरी जाने तक का रास्ता बहुत ही ब्यूटीफुल और सीनिक है। आप यहाँ पर एशिया का जो डेंसेस्ट फॉरेस्ट है उसके बीच से होते हुए गुजरते हैं। गाइस यह है कुफरी का स्टार्टिंग पॉइंट। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी टैक्सी ले सकते हैं और अपने कुफरी का जो टूर प्लान है, एक्टिविटी प्लान है, वो आप यहाँ से भी बुक करवा सकते हैं। दोस्तों कुफरी कोई एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं है बल्कि एक काफ़ी बड़ा एरिया है जिसमें बहुत सारी प्लेसेस है एक्सप्लोर करने के लिए। कुफरी को जो सबसे फेमस प्लेसेस हैं वो है कुफरी फन वर्ल्ड और हिमालय नेचर पार्क। अभी इस वक्त हम जा रहे हैं पहले कुफरी फन वर्ल्ड और उसके बाद हम आएंगे वापस हिमालय नेचर पार्क के लिए। गाइस जो ऊपर आप एरिया देख रहे हैं छोटा सा, ये था पुराना कुफरी जो सबसे पहले जिसे कुफरी रेफर किया जाता था। सो फ्रेंड्स ये हम पहुंच चुके हैं कुफरी फन वर्ल्ड के एंट्री गेट पर। चलिए चलते हैं ऊपर और देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवाई जाती है और यहाँ पर कौन से प्लेसेस है देखने के लिए। और गाइस आप रोड की कंडीशन भी देख ही सकते हैं। सो वी सजेस्ट या तो यहाँ 4x4 गाड़ी में आए या आप नीचे काउंटर से ही बुकिंग भी करवा सकते हैं यहाँ ड्रॉपिंग के लिए और यहाँ से वापस आपको नीचे छोड़ने के लिए। सो दोस्तों ये जो ऊपर रोड जा रहा है ये जाता है कुफरी फन वर्ल्ड के लिए और महासू पीक के लिए जो यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट है। और ये जो लेफ्ट में नीचे रास्ता जा रहा है यहाँ पर एक्टिविटीज़ होती है और यहाँ पर आगे एक छोटा सा विलेज टूर किया करवाया जाता है, साथ ही साथ यहाँ पर आप एप्पल ऑर्चर्ड्स देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए पहले चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी एडवेंचर एक्टिविटीज़ करवाई जा रही है। गाइस अगर आपका एडवेंचर एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो आप ये दूसरी तरफ भी आ सकते हैं जहाँ पर विलेज टूर करवाया जाता है। यहाँ पर आप नेचर वॉक कर सकते हैं और यहाँ से भी काफ़ी आगे तक जा सकते हैं घूमते घूमते और व्यू का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप होटल भी मिल जाएगा आपको स्टे के लिए अगर कोई यहाँ स्टे करना चाहता है। और ये आप देख सकते हैं नीचे एप्पल ऑर्चर्ड लगा है और बैकग्राउंड में व्यू देख सकते हैं आप कितना ही ब्यूटीफुल है। फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं कुफरी फन वर्ल्ड की तरफ जहां पर है वर्ल्ड का हाईएस्ट गो कार्टिंग ट्रैक। यह है कुफरी फन वर्ल्ड का एंट्री गेट। गो कार्टिंग के अलावा आप यहां पर स्काई स्विंगर और बंजी ट्रैम्पोलिन जैसी एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स अब हम चल पड़े हैं महासू पीक की तरफ। रोड की कंडीशन बहुत खराब है, धूल मिट्टी से आपके कपड़ों के बुरे हाल होना पक्का है, लेकिन दोस्तों यहाँ से जो व्यू है वो बहुत ही असम है। दोस्तों टॉप पहुँचने पर आपको ऐसे बहुत से स्टॉल्स मिल जाएंगे जहाँ से आप अपने लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए और अपनी फैमिली के लिए शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ से आप जो हिमाचल की ट्रेडिशनल ड्रेसेस होती है वो बाय कर सकते हैं और गिफ्ट करने के लिए सोविनियर्स भी ले जा सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर खाने पीने के भी बहुत से स्टॉल्स मिल जाएंगे जहाँ बैठ के आप स्नैक्स ले सकते हैं और थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। ये स्टॉल्स आपको लास्ट तक मिल जाएंगे और गाइस बाकी जगहों के मुकाबले यहाँ पर आपको चीज़ें थोड़ी सी कॉस्टली मिलेगी, तो थोड़ा बार्गेनिंग ज़रूर कर लीजिए खरीदने से पहले। गाइस ऊपर आप देख सकते हैं रेड छत वाला, यह है मासू नाग देवता टेम्पल जिनके नाम पे इस जगह का नाम महासू पीक रखा गया है।
गाइस, अगर आप हम लोगों से पूछे कि यहाँ आने का बेस्ट टाइम कौन सा है, तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे, या तो आप यहाँ पर समर्स में आएँ या फिर बिल्कुल विंटर्स में आएँ, क्योंकि तभी आपको यहाँ पर बहुत सी एक्टिविटीज़ करने का मौका मिलेगा। सो गाइस, वी होप हमने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया होगा कुफरी के इस सेक्शन के बारे में, जहाँ पर कुफरी फन वर्ल्ड, एक्टिविटी एरिया और ये मासू पीक है। चलिए अब चलते हैं कुफरी के दूसरे सेक्शन की तरफ, जहाँ पर हमें कुफरी जू मिलेगा और देखते हैं वहाँ पर एक दो और प्लेसेस एक्सप्लोर करने के लिए। गाइस, कुफरी जू जाने के लिए हमें लेना होगा चाइल्ड वाला रोड, जो कुफरी फन वर्ल्ड से थोड़ा वापस शिमला की तरफ है। गाइस, मेन रोड से लगभग 2 किलोमीटर आते ही सबसे पहले आपको मिल जाएगा हिमालयन नेचर पार्क यानी कुफरी जू, जो बिल्कुल सड़क के साथ ही लोकेटेड है। ये प्लेस कुफरी की एक मेजर अट्रैक्शन है और काफ़ी फेमस है लोकल्स में और टूरिस्ट में। कुफरी जू पे हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गाइस, कुफरी के इस सेक्शन में भी आपको शॉपिंग के लिए काफ़ी अच्छी ऑप्शंस मिल जाएगी। फ्रेंड्स, कुफरी जू के अलावा यहाँ की जो एक और मेजर अट्रैक्शन है वो है चीनी बंगला, जिसे अब कैफे ललित में कन्वर्ट कर दिया गया है। दोस्तों, श्रीमती इंदिरा गांधी और जे ए भुट्टो भी यहाँ आ चुके हैं और शिमला एग्रीमेंट यहीं पर डिस्कस किया गया था। ये कैफे रन किया जाता है हिमाचल टूरिज्म द्वारा और यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ की वाइब है वो बहुत ही सूदिंग है। तो दोस्तों, कुफरी के इस छोटे से टूर को हम अब कहीं ख़त्म करते हैं। वी होप हमने आपको मेजर इन्फॉर्मेशन दे दी होगी इस प्लेस के बारे में। फिर भी आपके कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपसे अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।